दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जमाने के बारे में मत सोचिए, क्योंकि जमाना बड़ा अजीब है। वो नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से चलता है। ठीक, चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। हो सकता है ये कहानी आपका थोड़ी सोच बदले, और सोच बदलती है तो दुनिया बदलती है। चलिए दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो एक राजा के दरबार में जाता है और राजा के दरबार में जाके चैलेंज करता है। उसके पास में एक दो एक जैसी दिखने की एक वस्तु होती है। वो तो वो कहता है, राजा साहब मेरे पास में ये दो नया वस्तु है। अब इसमें से एक हीरा है और एक कांच है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा हीरा है कौन सा कांच है, ये मैं जानना चाहता हूँ कि आपके आपके दरबार में दरबार चलाने लायक ये लोग हैं कि भी नहीं, ये मैं जानना चाहता हूँ। अगर मैं जीत गया, अगर मुझे लगा कि इन्होंने सही आंसर दिया तो हीरा मैं आपको भेंट कर दूंगा, पर अगर इन्होंने गलत आंसर दिया तो इतनी ही मूल की वस्तु मैं आपसे ले लूंगा, और इसके बराबर का जो भी इसका मूल है वो भी आपसे लूंगा। राजा ने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया, क्योंकि उसको भी अपने दरबारियों को चेक करना था, समझना था कि वो लायक हैं कि भी नहीं है। पर दरबारी डर गए। अब उनमें से बहुत से दरबारी ने सोचा कि यार मैं बताऊं कि नहीं बताऊं उनके सलाहकार, क्योंकि उनको लगा कि अगर मैंने गलत बताया और ये चीज़ गलती हो गई तो राजा पूरा सब कुछ मेरे ऊपर थोप देंगे और मुझे वो सजा भी दे सकते हैं। और तो इस गलती से बचने के लिए कोई भी ऐसा नहीं था जो सामने आया और जिसने कहा कि मैं बताता हूँ कि इसमें से कौन सा हीरा है कौन सा कांच। देखा जाए तो कोई भी नहीं बता पा रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। और तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, मैं बताता हूँ ये हीरा है या कांच। तो एक पीछे से एक बूढ़े से एक बाबा आए और उन्होंने राजा साहब से बोला कि अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं बताना चाहूँगा इसमें कौन सा हीरा है कौन सा कांच। वो राजा साहब बोलते हैं कि ठीक है, तुम बताओ इसमें ये कौन सा है। वो बोलता है कि ये दाया वाला ये हीरा है और ये बाया वाला कांच है। जब वो बोलता है झौरी कि हाँ ये बात सही कह रहे हैं, पर ये मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने बताया कैसे। उन्होंने कहा कि हम लोग धूप में खड़े हैं और धूप में कांच गर्म हो जाता है और हीरा ठंडा रहता है, सो इसमें यही हीरा है। तो उस आदमी की बात सुनकर राजा बड़े खुश हो जाते हैं। वो आदमी और जो झौरी होता है वो अपना हीरा राजा को भेंट कर और जो झौरी होता है वो अपना हीरा राजा को भेंट कर देता है। दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हारने के डर के कारण लोग जीतने का प्रयास भी नहीं करते हैं। आप समझ रहे हैं, जब तक आपके अंदर जीतने की कोशिश करने की वो आत्मशक्ति या क्षमता नहीं होगी, आप जीतेंगे कैसे। अगर आपको बाजीगर बनना है तो वो तो हार कर ही बनना पड़ेगा, क्योंकि हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। ये तो आपने पिक्चर में भी सुना था, तो क्यों आपने इसको अप्लाई नहीं किया, क्यों आपने सिर्फ इसको एंटरटेनमेंट ले लिया। दुनिया में बताया गया, कहीं ना कहीं बताया गया, कुछ ना कुछ चीज़ों का मतलब होता है दोस्तों। उसको ढूंढना, उसको समझना, वही एक समझदारी होती है। तो आई होप कि आप इस वीडियो को समझिए, और जीतना है तो हारने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जितना हारेंगे उससे कहीं अधिक जीतेंगे, और जिस दिन जीतना चालू करेंगे उस दिन आपको दुनिया में कोई नहीं हरा पाएगा। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो नीचे लाल बटन को आप क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको पसंद है ये वीडियो, वाकई में आपको लगा कि इस वीडियो में दम है, तो कमेंट कीजिए, जो भी आप लिखना चाहते हैं दिल से इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहे इसी चैनल से इसी प्रकार।